लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। उन्नाव बलात्कार मामले के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में बुधवार शाम को कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इसमें यूथ कांग्रेस के सदस्य मौजूद रहे। इस कैंडल मार्च में युवाओं से लेकर बच्चों ने भी हिस्सा लिया। इस कैंडल मार्च में लोगों ने सरकार के प्रति नाराजगी जताते हुए पोस्टर हाथ में लेकर कैंडल मार्च निकाली। इस मौके पर चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान प्रदीप छाबड़ा भी मौजूद रहे और उन्नाव की घटना के लिए उन्होंने न्याय की मांग की। देखिए, आज से लगभग एक साल पहले उन्नाव में एक रेप की घटना हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक सेंगर और उनके साथी इन्वॉल्व थे। और उस समय उस घटना को भी दबाने की कोशिश की गई, एक साल पहले भी, और उनको क्लीन चिट भी दे दी गई थी पुलिस की तरफ से। लेकिन उस समय भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे, जिसकी वजह से सरकार को, योगी सरकार को झुकना पड़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को झुकना पड़ा था और उसके खिलाफ़ FIR लॉन्च करनी पड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उस समय भी काफ़ी उसके परिवार के सदस्यों का जो कत्लेआम हुआ, और जो दुर्घटना अब आज से तीन दिन चार दिन पहले हुई कि किस तरीके से एक ट्रक के द्वारा जब वो जा रहे थे, लड़की जो विक्टिम है प्लस उसके एडवोकेट और दूसरे परिवार के मेंबर, उनको किस तरह कुचलने की कोशिश की गई और उसमें भी जो उस दुर्घटना में हत्या हो गई उन, और उसके खिलाफ हमारा ये जो प्रोटेस्ट है चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो मैं यूथ कांग्रेस के जितने भी साथी हैं वो यहाँ हमारे सिर्फ ऑफिस में मौजूद हैं, तो ये प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया जा रहा है। और इसको लेके हम लोगों का ये डिमांड है कि लड़की को न्याय मिलना चाहिए। दोषी भारतीय जनता पार्टी का, जिनका असली चाल चरित्र और चेहरा, विशेषकर चेहरा सामने आ गया पिछले दिनों, जितने भी इनके मंत्री, जितने MLA, जितने और लोग लीडर रेप केसेस में इन्वॉल्व हैं, सजा मिलनी चाहिए। और विशेषकर इस केस में तो, जिसके अंदर एक बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी हुई योगी सरकार के इस कार्यकाल के दौरान, उस MLA को सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। और इसकी हाई लेवल इंक्वायरी भी होनी चाहिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, ताकि सच्चाई बिल्कुल सामने आ सके। इसी मौके पर यूथ कांग्रेस के एक महिला सदस्य ने भी BJP सरकार के तरफ अपना रोष प्रकट किया। आज हम युवा कांग्रेस के सभी साथी, जो उन्नाव में बेटी के साथ रेप हुआ है, उसके लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले जैसे आजम खान जी ने संसद में बैठ कर किसी महिला सांसद के खिलाफ एक गलत टिप्पणी की थी, और वहाँ पर बैठी जितनी भी महिला सांसद थी उन सभी ने इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन किया था, और इंक्लूडिंग हमारे चंडीगढ़ की MP किरण खेर जी ने भी बहुत ज़ोर शोर से वहाँ पर प्रदर्शन किया था आजम खान के खिलाफ। लेकिन उस प्रदर्शन के बावजूद आजम खान को माफ़ी मांगने पर उन महिला सांसदों ने मजबूर कर दिया था। तो मैं सिर्फ किरण खेर से यही पूछना चाहती हूँ कि हमारे चंडीगढ़ की MP होने के नाते क्या उनका ये काम नहीं बनता, ये अधिकार नहीं बनता कि उस बेटी के लिए, अगर आजम खान के लिए किसी महिला के लिए टिप्पणी करने पर रोष प्रदर्शन सारी सांसद महिलाएं कर सकती हैं BJP की, तो अपने BJP के MLA जिन्होंने रेप किया है उसके खिलाफ उन्होंने रोष प्रदर्शन या उसके खिलाफ दो शब्द भी क्यों नहीं कहे। मेरी सिर्फ सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से यही गुजारिश है कि जो रेपिस्ट है उसको कड़ी से कड़ी सजा और जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, मोदी जी ने एक नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब हम उस नारे को बदल कर हम ये कहते हैं कि मोदी जी को ये रखना चाहिए, BJP आई है बेटी छुपाओ, BJP आई है बेटी छुपाओ। जय हिंद। नेशनल बस से बलविंदर आर्य की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।